हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल जो हर एक पदार्थ जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है इसके गति पर मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इन फोर ऑप्शंस में करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, गति जो है तेज हो जाएगी। किसकी गति तेज हो जाएगी, तो पार्टिकल की, कणों की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, पदार्थ के कणों के बीच। ओके, पदार्थ देखिए छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इन कणों के बीच की जो दूरी है, ओके, ये देखिए है ना, ये दूरी हो गई। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। ओके, क्योंकि आकर्षण बल मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स, यानी एक दूसरे को खींचना है ना। अगर कोई पदार्थ इतना बड़ा ठोस आपको दिख रहा है तो ये छोटे छोटे जो कण है एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे को अपने आप से खींच रहा है, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तभी ये क्या हो रहा है, एक ठोस हमें दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। हाँ बिल्कुल कार्य करता है, अगर कार्य नहीं करता तो जो पार्टिकल आपस में जुड़ते ही नहीं, अगर जुड़ते नहीं तो हमें बड़ा जैसा ठोस दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसका क्या कार्य होता है, ओके, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका कार्य होता है कि कणों को एक साथ रखना। ठीक है, अगर मान लो दो पार्टिकल, ठीक है, ये एक पार्टिकल, ये पार्टिकल, ठीक है, अब एक दूसरे में अगर ये अट्रैक्शन आकर्षण आकर्षित वाला अगर एक दूसरे में नहीं होगा, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएगा, इस तरह नज़दीक नहीं आएगा, तो बताओ क्या एक दूसरे से ये इस तरह बहुत सारे पार्टिकल मिलकर के तभी तो ठोस बनेगा ना, है ना। यानी कि ये कणों को क्या करता है, बिल्कुल एक साथ रखने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्टिकल को साथ रखने का कार्य करता है आकर्षण बल। ठीक है, यानी अट्रैक्शन फोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से ठोस के उदाहरण है। ओके, यानी कि सॉलिड का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, किताब, किताब आप लोग सब देखे होंगे, किताब। सेकंड ऑप्शन है आपका लकड़ी, और थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते होंगे ये एक गैस का रूप है, क्या है, गैस, गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ओके, और किताब आप लोग सब जानते हैं एक ठोस के रूप में पाया जाता है, लकड़ी एक ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में दिखाई देता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, किताब और लकड़ी दोनों का दोनों ही क्या है, एक सॉलिड है, एक ठोस है। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ठोस की क्या विशेषताएँ हैं, सॉलिड की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सॉलिड की सबसे पहली बात तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आकार क्या होता है इसका, निश्चित होता है। शेप जो है इसका निश्चित होता है, ऐसा नहीं मान लो कोई ठोस आपका है ट्रायंगल, ठीक है, ये मान लो आयरन है, लोहा है। ठीक है, ये क्या है आपका, आयरन एक लोहा है। ठीक है, ओके, अब इस ठोस को आप कैसे भी कहीं पर रख दो, इसका आयतन चेंज, इसका जो आकार है, शेप जो है यही आपको दिखने वाला है। ऐसा नहीं कि अगर आप इसके घुमा दोगे तो इस तरह बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके, यानी कि इसका आकार निश्चित होता है। इसी तरह इस स्थिर आयतन होता है, हाँ बिल्कुल, आयतन इसका क्या होता है, स्थिर होता है। ओके, जैसे पानी को आप किसी भी बर्तन में रखोगे तो उसका आकार ले लेगा, लेकिन ठोस नहीं लेगा, जो उसका आकार है वही आकार में रहेगा। लेकिन ये यानी कि इसका आयतन जो है स्थिर होता है, वॉल्यूम क्या होता है, स्थिर होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, इसी तरह संपीड़िता की बात कर लेते हैं। संपीड़िता मतलब होता है कि कणों के बीच की दूरी बहुत ही अगर ज़्यादा रहेगा, ओके, या कम रहेगा। ठीक है, ओके, जैसे ये हवा हो गया, हवा में क्या होता है, इसमें संपीड़िता जो होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा होता है। संपीड़िता मतलब बहुत दूर दूर कण होता है। ठीक है, बहुत ही दूर दूर होता है हवा में जो कण होता है। ये देखिए, मान लो एयर हवा में क्या होता है, दूर दूर तक कण होता है ना, इसमें संपीड़िता बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही जो है इसका जो है क्या बोलते हैं, पार्टिकल कण जो है बहुत ही नज़दीक नज़दीक मिल करके बना हुआ होता है, तभी हमें ठोस दिखाई देता है। ठीक है, इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, है ना। इसमें जो है नगण्य संपीड़िता होता है, यानी कि नाक के बराबर संपीड़िता होता है ना, यानी कि इसके कण जो है पार्टिकल बहुत ही एक दूसरे से एकदम नज़दीक नज़दीक, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, जुड़े हुए रहते हैं। ओके, संपीड़िता का मतलब यही होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है, द्रव की क्या विशेषता होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए द्रव अनिश्चित होता है, किसी में भी रख दो, जो बर्तन में रखोगे उसका आकार ले लेगा, वो निश्चित आकार होता है।
और इसका आयतन जो होता है, इसका आयतन वो निश्चित होता है ना। जैसे मैं ऐसा नहीं है कि जैसे आपने एक लीटर लिया, एक लीटर आपने वाटर लिया पानी, उसे आपने इस बर्तन में डाला और आपने इस बर्तन में डाला, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इस बर्तन में आपने डाला था एक लीटर आएगा, इस बर्तन में डाल दिया तो डेढ़ लीटर या दो लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। यानी कि आयतन इसका निश्चित होता है, ठीक है। और यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। इसका अनिश्चित आकार भी होता है और निश्चित आयतन भी होता है, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलचर प्राणी यानी कि जल में रहने वाले प्राणी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं। तो आप इतना बात जान लीजिए कि पानी में जो है ऑक्सीजन जो है मौजूद होता है, क्या होता है, जल में ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद होता है, यानी जल में घुला ऑक्सीजन, ओके, इसी के द्वारा जो है जल में रहने वाले प्राणी जो है ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विसरण, विसरण की दर सबसे अधिक किस में होती है। तो विसरण की दर सबसे अधिक जो है गैस में होगी, किस में होगी, गैस में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है संपीड़ितता किसकी अधिक होती है, तो संपीड़ितता सबसे अधिक जो होगी वो होगी गैस में, है ना। सबसे कम होगा ठोस में, क्योंकि बहुत ही नज़दीक पार्टिकल रहेगा, और जो गैस में है बहुत ही दूर पार्टिकल रहेगा, जितना दूर रहेगा तो उतना ही ज़्यादा संपीड़ितता कहलाएगा, जितना कम पार्टिकल एक दूसरे से नज़दीक में रहेगा उतना ही क्या होगा, इतना ही कम संपीड़ितता कहलाएगा, ठीक है। तो अधिक संपीड़ितता की बात हो रही है मतलब क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गैसियस स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर क्या होता है। तो आप लोग सब जानते होंगे LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। नेक्स्ट है LPG का पूरा नाम क्या होता है, तो LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वाहन जो कि मतलब अभी आपने सुना होगा कि ये जो वाहन है सक्सेसफुली नहीं है, ठीक है, इससे क्या होता है ऑटोमेटिक आग लग जाता है, ठीक है। यानी कि पेट्रोल से ना ही जलता नहीं चलता है, ना तो डीजल से चलता है, कोई ऑयल से नहीं चलता है, ठीक है, वो CNG गैस से चलता है, है ना। CNG गैस से वो चलने वाला वाहन होता है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CNG का पूरा नाम क्या होता है जी। CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जल कौन सी अवस्थाओं में रह सकता है। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि ठोस में भी रहता है, जैसे बर्फ बना लो, द्रव में भी रहता है, पानी हो गया आप जो पीते हो, गैस स्टेडियम में भी रहता है आपका, ओके, जैसे आपके वातावरण में जो है गैस मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघल कर द्रव में यानी कि जल में किस वजह से परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये होता है गतिज ऊर्जा के बढ़ने से, ठीक है, गतिज ऊर्जा के बढ़ने से, ओके, तापमान बढ़ने से क्या होता है, पिघल करके बर्फ जो है पिघल करके वो क्या होता है, वो पानी में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह क्या कहलाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह कहलाता है गलनांक, उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहा जाता है, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का गलनांक आपका होता है 273.15 केल्विन, ओके। नेक्स्ट, संगलन किसे कहते हैं, तो ठोस से द्रव में परिवर्तन करना ही संगलन कहलाता है, ठोस से द्रव में चेंज करना संगलन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, तापमान क्या रहता है, समान रहता है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, एक समान रहता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं संगलन की परसुप्त ऊष्मा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के लिए क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कितने डिग्री कितना केल्विन पे जो है जल जो है खोलना शुरू हो जाता है, तो वो होता है 373 केल्विन पर, ठीक है, 373 केल्विन पर जो है जल जो है क्वथनांक इसका शुरू हो जाता है, ठीक है, ओके, खोलना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसे निक्षेपण कहते हैं, निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हिमांक कहते हैं, ओके, उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दाब के बढ़ने और तापमान घटाने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गैस पर प्रभाव ये पड़ेगा कि गैस जो है द्रव में बदल जाएगा, गैस क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं हम लोग शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है ये ठोस सॉलिड के रूप में रहेगा तो इसे हम लोग शुष्क बर्फ कहेंगे, ठीक है, यही शुष्क बर्फ होता है। ठीक है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाष्पीकरण की गति किन कारकों पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है, तो ये जो है सतह पर भी डिपेंड करती है क्योंकि वाष्पीकरण सतह पर ही होता है। ओके, तो इसमें हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तापमान पर भी निर्भर करता है, वायु की गति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायु में आर्द्रता होता है, मतलब वायु में आप लोग देखे होंगे कि वायु में जो है मतलब उसमें नमीपन होता है, उसे को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, वायु में नमीपन उपस्थित रहता है, उसे को आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वाष्पीकरण जो है कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना गर्म रहेगा आपका वातावरण उतना ज़्यादा जो है वाष्पीकरण जो है कम होगा। ठीक है, ओके, और इसमें क्या होगा, वाष्पीकरण जो है क्या होगा, इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट है गर्मियों में पसीना सूखने पर शीतलता महसूस होती है, यानी आपको ठंडा लगेगा जब पसीना सूखेगा, जैसे आप थक गए हो, पसीना चल रहा है, तो अगर आप पंखा पर बैठते हो तो आपको शीतलता महसूस होता है। ओके, तो ये किसके कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, ओके, आपके शरीर में वाष्पीकरण होने लगता है आपके त्वचा पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारा गर्मियों में हमें किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, आप लोग सब जानते होंगे सूती यानी कि कॉटन वस्त्र हम लोग पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ओके, वाष्पीकरण बढ़ जाता है, इसीलिए जो है हमारे जिस्म में जितने भी मतलब पसीना रहता है वो जल्दी से वाष्प बन करके उड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है हमें गर्मी नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होगा, तापमान जितना ज़्यादा रहेगा गर्म रहेगा वाष्पीकरण उतना ही स्पीड होगा, जल्दी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसा होगा, वायु की गति अगर जो ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण कैसा होगा, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, स्पीड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था, तत्वों के प्रतीकों मतलब संकेत है ना, संकेत सिंबल का, जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na, हाइड्रोजन का H, तो इनका जो प्रयोग किया था, ऑक्सीजन का O, ओके, तो इनका जो प्रयोग किया था सबसे पहले डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले जो है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है पीरियोडिक टेबल जो है बनाया था। ठीक है, ओके, जिसे आप लोग आवर्त सारणी कहते हैं, ओके, इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 9th के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1st से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।